इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर नो बडी कैन स्टॉप योर सेलेक्शन यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा ना वह कॉन्फिडेंस आपको आपसे ही बिहेव लाइक एन ऑफिसर स्पीक लाइक एन ऑफिसर दैट ऑफिसर लाइक क्वालिटी शुड बी इंबाइब्ड इन एवरी वेलकम यूर बैक टू ए वी केस अकेडमी ए वी केस में आप सभी का वापस स्वागत करता हूं तो नया साल आ गया मतलब नया जोश सब में होगा आई एम वेरी मच श्योर तो नया साल आ रहा है नया साल का क्या रेजोल्यूशन रखे हम कुछ लोग बोलते हैं नया साल में मैं जिम ज़रूर ज्वाइन करूंगा बॉडी बनाऊंगा कुछ लोग तो बोलते हैं इस नया साल में मैं ये बनूंगा वो बनूंगा नया साल में मैं बैंक बैलेंस इतना रखने का वो कोशिश करूंगा तो इत, इतना सारे रेजोल्यूशन इतना सारे थॉट प्रोसेस जो है वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं लेकिन 2024 is going to be गोइंग very बी वेरी वेरी country. फॉर द कंट्री इस देश के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि चुनाव होने वाला है आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका भी चुनाव होने वाला है लेकिन आपका चुनाव में आप किससे लड़ते हैं आप खुद से लड़ते हैं आप, आप किससे किस लड़ेंगे चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से लड़ेंगे कांग्रेस बीजेपी से लड़ेंगे लेकिन आप खुद से लड़ना है खुद से मतलब क्या है आपका डिविएशन से लड़ना है आपका वीकनेस से लड़ना है आपका वीक सब्जेक्ट से लड़ना है आपका जो भी डिप्रेशन दि, है उससे लड़ना है देर ऑल डिफरेंट थॉट प्रोसेस विच यू शुड फाइट विथ एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेट लेटस अंडरस्टैंड दैट फाइव सिंपल टूल्स विच विल मेक यू असिस्टेंट कमांडेंट इन दिस पर्टिकुलर ईयर इस साल आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनाने के लिए ये एक आज ऐसा पांच टूल्स में बताऊंगा जिसके तहत अब ज़रूर ए तो बनेंगे ए के साथ साथ आप एक डिसिप्लिन इंसान भी बनेंगे उसी के साथ साथ आप एक प्रैक्टिकल पर्सन भी बन जाएंगे क्योंकि लोग बोलते हैं सर uh, uh, अक्सर मेरे को बो, लोग बोलते हैं सर मैं प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहा हूँ मैं सोचता हूँ आठ घंटे बैठने के लिए लेकिन हो नहीं पाते हैं वो क्यों नहीं हो पाते हैं क्योंकि यू विल बी अकस्टम्ड विथ फ्यू अदर था प्रोसेस फ्यू अदर डिफ़िकल्टीज इन योर लाइफ लाइफ में अल, अलग अलग लोगों को अलग अलग कष्ट तो झेलना ही पड़ता है इंसान है हम नहीं तो और कौन झेलेंगे कष्ट लेकिन वही कष्ट के साथ साथ वही प्रेशर के साथ साथ हमें जो डिसिप्लिन इंसान बनना है वो कभी छोड़ना नहीं जैसे कि टू क्रैक द सी ए पी एफ एग्जामिनेशन सीएपीएफ एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए आई फाइव टूल्स है द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टूल इज मेंटेन द बुक लिस्ट प्रॉपरली लोग बोलते हैं सर मैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी देखा हूं ठीक है दीदी बसु भी देखा है रमाकांत भी देखा है सर और एवी एकेडमी का मैगजीन मटेरियल भी देखा मैंने और काफी एक पॉलिटी के लिए दस किताब मैंने पढ़ा है क्यों वाई आर यू वेस्टिंग योर प्रीशियस अमाउंट ऑफ टाइम इन इन्वेस्टिंग टेन बुक्स फॉर वन सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना है बुक लिस्ट आपका हमेशा सिंपल रखेगा आपका स्टडी टेबल बहुत ज्यादा कंजेस्टेड नहीं होना है ये भी किताब से पर है स्टडी टेबल ये भी किताब से पर है वो भी किताब से वो भी किताब से नहीं कीप द बुक लिस्ट वेरी वेरी सिंपल मेन रेजोल्यूशन ऑफ ट्वेंटी इज टू स्कीप अवे द अनवॉन्टेड बुक्स कीप अवे द अनवॉन्टेड बुक्स वही किताब पढ़ो जो आपका समझ में आता है वही किताब पढ़ो जो ज, ज, जिस जिस किताब से आपको एग्जामिनेशन में सवाल बनेंगे कीप द बुक लिस्ट वेरी वेरी सिंपल दिस फर्स्ट टूल विच आई वुड लाइक टू गिव इट टू एवरी वन ऑफ यू नेक्स्ट टूल मैं जो बताऊंगा आपको कि सिलेबस के पार मत जाना भी कभी भी देख लीजिएगा लोग बोलते हैं सर मैं आज इंडिया ईयर बुक खरीदने जा रहा हूं क्योंकि इंडिया में जो कुछ भी हुआ है पिछला एक साल में वो पूरा एक बुक में आ रहा है सर आ रहा है लेकिन आपको क्या जरूरत है उससे आपको जरूरत नहीं है क्यों जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो करंट इवेंट्स पूछने वाला है वो अगस्त के बाद वाला करंट अफेयर ही पूछेंगे सो हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर मैगजीन और दैट पर्टिकुलर बुक सो आफ्टर अगस्त ओनली यू एग्जामिनेशन तो सिलेबस में जो जो मेंशन है पिछले एक साल का करंट अफेयर तो पढ़ना ही पड़ेगा पिछले uh, एक साल का करंट अफेयर और करंट इवेंट्स दोनों भी पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर पेपर वन के लिए काम आएगा करंट इवेंट पेपर टू के लिए काम आएगा स्टैटिक सब्जेक्ट जो है पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये तो पढ़ना ही है उसी के साथ आपको साइंस देखना है उसी के साथ आपको अर्थमेटिक एंड रीजनिंग भी देखना है तो सिलेबस में जो जो पॉइंट मैंशन है पेपर वन और पेपर टू में वही पॉइंट्स आप देख लीजिएगा ये अनदर रेजोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर न्यू ईयर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस नेवर नेवर फॉलो ब्लाइंडली द टॉपर्स स्ट्रैटेजी ये एक बात आ, मुझे कहने में मुझे कोई डर नहीं लग रहा क्योंकि टॉपर्स का स्ट्रैटेजी सिर्फ उनको काम आया है लेकिन आपको काम आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में वर्क फॉर यू नेक्स्ट टॉपर आप खुद नेक्स्ट टॉपर बनने वाले हैं आपका खुद का एक अलग स्ट्रैटेजी होगा तो दैट इज रीजन नेवर ब्लाइंडली फॉलो उनका कुछ टिप्स ले लो उनका कुछ मैगजीन ले लो उनका कुछ सलाह ले लो लेकिन ब्लाइंडली उनके तरफ फॉलो मत कीजिएगा ठीक है नेक्स्ट दिस इयर वॉट यू आर गोइंग टू डू से नो टू डीशन से नो टू डिशन डिविएशन मतलब आप पढ़ते समय होली आएंगे न्यू ईयर भी मनाना है होली भी मनाना है उसी के साथ साथ बीच में फ़रवरी में वैलेंटाइंस डे भी आएगा उस सबको आपको दूर रखना पड़ेगा कीप अवे ऑल योर डिविएशन असाइड ठीक है एंड अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आई एम स्टे डिसिप्लिन टूवर्ड्स द एग्जामिनेशन आप यूनिफॉर्म पहनने जा रहे हैं दट ओ एल क्यू ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो होता है दट यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा ना वह कॉन्फिडेंस आपको अब से ही बिहेव लाइक एन ऑफिसर स्पीक लाइक एन ऑफिसर ऑफिसर लाइक क्वालिटी शुड बी इंबाइब्ड इन एवरी वन ऑफ यू सो ये सारी चीजें आप यदि जनवरी फर्स्ट के रेजोल्यूशन के साथ आप अपने पर्सनैलिटी में बदलेंगे देन इन टू Nobody can stop your selection. I hope you got my point. I wish you all a very, very happy new year, guys. Stay happy, stay healthy, and become an officer in this particular new year. From AVK's family, I wish you all a very good luck for the upcoming cherishing year. Bodbhad Danyavad, Jaihind.